हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। यार जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को सोचा था ना, तो मैं सोचा था कि जैसे आज मैं 9 मोड्स के बारे में आपको बताने वाला था, और मैं सोचा था कि 9 मोड्स पे 9 या 10 जितनी भी मूवीज हो, हर मोड पे एक मूवीज आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आप इस मोड पे ये मूवी देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप रिलेट कर पाओगे कि ये मोड कैसे काम करता है। बट हुआ क्या गया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तो फिर मुझे पता चला कि ना, ऐसा नहीं है कि जो भी मूवी है वो 9 मोड्स से ही बनेगी। अगर कोई भी मूवी एक मोड पे नहीं बन सकती, मतलब एक रस से नहीं बन सकती, अगर क्योंकि हर मूवी में एक कहीं ना कहीं एंग्री मोड होगा, कहीं ना कहीं कॉमेडी मोड होगा, कहीं ना कहीं सरप्राइज मोड होगा, मतलब हर तरीके का आपको उसमें मोड और मिलेगा, तभी जाके एक मूवी बनती है। तो आज मैं आपको ऐसा ही बताऊंगा कि अगर आप कुछ मूवीज देखो तो आपको उसमें से सीखना क्या क्या है। ओके गाइस, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगा कास्टिंग डायरेक्टर की मेल आईडीज, आप उसको नोट डाउन कर लेना। क्यों नोट डाउन करना वो मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और एक काम और करना है आपको, मैं आज हर मोड्स पे एक एक क्लिप दिखाऊंगा, एक दो क्लिप दिखाऊंगा, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ, ये मोड ये है, कौन सा मोड क्या होता है, कैसे किया जाता है। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 9 रस के बारे में बताता हूं, जैसे सिंगार रस हुआ, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भयभीत रस, और अद्भुत और शांत रस। ये 9 रस होते हैं हमारे अभिनय में, मतलब हमारे एक्टिंग में बहुत सारे रस होते हैं, बस इन 9 रस पे बेसिकली काम किया जाता है। आपको मैं एक एक रस के बारे में बताऊंगा और उस रस के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको कुछ मूवीज रिकमेंड करूंगा जो कि आप ज़रूर देखिएगा। आई होप बहुत सारे लोग देखे भी होंगे पहले भी, बट अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर देखिएगा उन मूवीज़ को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले रस से, मतलब पहले मोड से, जिसका नाम है सिंगार रस, जिसको बहुत लोग कहते लव मोड भी कहते हैं, ब्यूटी मोड भी कहते हैं, प्रेजिंग मोड भी कहते हैं, बट अगर हम हिंदी में कहें तो उसका नाम सिंगार रस है। सिंगार रस में आपको मैं एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप वो मूवी देख लिए तो समझ लो आपको समझ में आ जाएगा सिंगार रस क्या है। आप अगर विवाह मूवी देखोगे, विवाह मूवी, वो भी शाहिद कपूर साहब की, अगर वो मूवी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगार रस होता कैसे, मतलब आप। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सिंगार रस मतलब यही नहीं होता कि एक लड़का और एक लड़की दोनों अगर प्यार कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो वो सिंगार रस है। सिंगार रस ऐसा नहीं होता। एक माँ अपनी बेटे को भी प्यार कर सकती है, वो भी सिंगार रस में आता है। एक पिता अपनी बेटी को प्यार करता है या बेटी अपने पिता को प्यार करती है, वो भी सिंगार रस में ही आता है। ज़रूरी नहीं है लिविंग थिंग ही एक दूसरे को प्यार करें, वही सिंगार रस में आता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग को भी हम प्यार कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अपने मोबाइल से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं अपने मोबाइल से कैसे अटैच हूँ, उसको मैं कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, वो भी एक सिंगार रस में ही आता है कि उसको मैं कैसे सेफ करके रखता हूँ। तो ये सब सिंगार रस में ही आता है अगर आप किसी से भी प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं है वो लड़का या लड़की हो, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग कुछ भी हो सकती है, बट आपको अपना इमोशन कैसे दिखाना है प्यार करने का। मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, आप पहले वो देखो। और कुछ? और ज़्यादा सिंगार रस के बारे में जानने के लिए आप शाहरुख खान साहब की कोई भी मूवी देख लेना यार, उनके हर मूवी में रोमांस होता है। तो ये हमारा सिंगार रस था, जिसे हम लव मोड भी कह सकते हैं। ओके, और अब हम नेक्स्ट रस पे चलते हैं। नेक्स्ट रस है हास्य रस, जिसे लोग कॉमेडी मोड या लाफ्टर मोड भी कहते हैं। इसमें तो मुझे तमाम मूवीज़ मिली कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि इतनी, जैसे अगर हेरा फेरी देख लो, वेलकम देख लो, ऑल इज़ वेल देख लो, धमाल देख लो, ढोल देख लो, मतलब कोई भी मूवी आप कॉमेडी उठाओ उसमें आपको हास्य रस ही मिलेगा। आप इन मूवियों से ये सीख सकते हो कि आपको कॉमेडी कैसे करनी है। कॉमेडी बहुत टफ होती है यार, क्योंकि उसमें टाइमिंग सेट करनी पड़ती है आपसे और आपके को एक्टर से कि हमें कॉमेडी में कोई टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो इसके लिए आप बहुत सारी कॉमेडीज मूवी देखो, बहुत मज़ा आता है कॉमेडी मूवी देखने में। तो अगर आपको मैं एक दो सीन दिखाता हूँ इस मूवीज़ की तो आपको समझ में आएगा, आप कनेक्ट करोगे कि हाँ, कौन सा होता है कॉमेडी रस, सॉरी कौन सा होता है कॉमेडी मोड। चलिए देखते हैं एक वीडियो। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। नहीं नहीं, खड़क सिंह तो आप हैं, हम तीनों तो शाम के दोस्त हैं। दोस्त हैं आप, दिनों की शक्ल मिलती है,
जुड़वा हो? नहीं, हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहले जुड़वा थे फिर। अरे भाई, तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं, कमाल है। होप आपको पसंद आई होगी कॉमेडी वीडियो, जो भी कॉमेडी रस की मैंने आपको दिखाया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने करुणा रस की तरफ। करुणा रस मतलब सिंपथी वाला मूड, मतलब सिंपथी दिखाना है बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं करुणा रस। इसके लिए मैं आपको एक दो क्लिप दिखाता हूँ। जैसे आप बागवान मूवी देख लो, उसमें जब स्टार्टिंग में वो ठीक मूवी थी, मतलब स्टार्टिंग में हंसी मजाक कॉमेडी चल रहा था, सब चल रहा था। जब मिड में होता है, जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों अपने अलग अलग बेटों के घर पे जाके रहने लगते हैं, तो वो एक दूसरे को कॉल करते हैं और वहाँ पे वो सिंपथी थोड़ा सा होता है, वहाँ पे करुणा रस आता है। आप लोग को मैं क्लिप दिखाता हूँ करुणा रस की, जो बागवान मूवी की है। मोतीचूर के लड्डू, कर्मा करम जलेबी पूड़ी भी है, और ये मैं पूड़ी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूँ। ये सारी क्लिप देख के आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि करुणा रस कहाँ होता है और कैसे उसको किया जाता है। और अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ रस के बारे में, जिसका नाम है रौद्र रस। आपको लग ही रहा होगा रौद्र सुन के कि एंग्री मोड, इसको इंग्लिश में वैसे कहते हैं एंग्री मोड, बट मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एंग्री मोड हमेशा मूवीज के क्लाइमैक्स में ही नहीं आता है। एंग्री मोड आप कहीं भी दिखा सकते हैं, किसी चीज पे भी दिखा सकते हैं, वो एंग्री मोड होता है। ओके, जैसे मैं आपको एक दो मूवीज का क्लिप दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एंग्री मोड जरूरी नहीं है कि वो लास्ट में आए, जरूरी नहीं है कि विलन सिर्फ ही हीरो से ही एंग्री हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी एंग्री हो सकते हो, आप अपने किसी दोस्त से भी एंग्री हो सकते हो, मतलब रौद्र रस में आप उसको अभिनय कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वीडियो के लास्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि मूवी के लास्ट में ये सीन हो। मैं एक दो मूवी के क्लिप दिखाता हूँ, जैसे कि एक मूवी है शौर्य, आपने अगर देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा शौर्य मूवी। उसमें के मैनन ने लास्ट क्लाइमेक्स में सिर्फ अदालत थी, अदालत का सीन था, मतलब कोर्ट का सीन था, उसमें सिर्फ अपनी चेयर पे बैठे बैठे जो एंग्री मोड में वो आए थे ना, मतलब मज़ा आ गई थी उनको देख के। आप वो देख लो शौर्य मूवी का, पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। चाहूँ तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूँ और मैं करूँगा, इनको खत्म करूँगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। और साथ में मैं आपको एक और मूवी का क्लिप दिखाता हूं, अपने मुक्काबाज देखी होगी विनीत कुमार की। इन्होंने जब इनका वो सीन दिखाता हूं, जब इनके पापा कहते हैं कि तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो वो खुद कहते हैं, वो इतने गुस्से में कहते हैं कि नहीं, मेरे को आप ही का डीएनए मेरे अंदर है, आप ही हो, आप मतलब आप ही का डीएनए मेरे अंदर है, हमारे दिमाग में पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ मुक्काबाजी आती है। तो आप वो सीन देखो, और एक कायपोछे का सीन दिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि रौद्र रस हमेशा मूवी के एंड में नहीं आता, कई जगह मूवी के तरीके से आपको कैरेक्टर के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि रौद्र रस आपको कहाँ पे करना है। ओके, आप एक दो क्लिप देख लो पहले। अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे, आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर, आप में था दिमाग, आप ही से बोल रहे हैं, आप में था दिमाग, अम्मा में है लगता है आपको। और अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ रस के साइड, जिसका नाम है वीर रस, जिसको लोग अगर आप इंग्लिश में कह सकते हो तो ब्रेव मोड भी कह सकते हैं वहां पे। बट वीर रस हमेशा आपको देशभक्ति मूवी में ही नहीं दिखेगा, जैसे हुई आप वहाँ पे वीर रस जरूर है, जैसे आप बॉर्डर मूवी देख लो, उरी देख लो, एलओसी देख लो, जोधा अकबर देख लो, उसमें भी वीर रस था। जोधा अकबर में आप कहोगे वहाँ पे कोई तो हिंदुस्तान भारत हो नहीं रहा था, बट वहाँ पे भी वीर रस ही था। मैं आपको कुछ मूवीज़ के क्लिप दिखाऊंगा, मैं कुछ क्लिप आपको दिखाऊंगा जो कि थे, जिसमें आपको वीर रस होना चाहिए, जैसे वो मूवी देख के ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये वीर रस की ही मूवी है। बट मैं आपको एक दो मूवी ऐसे कि एक दो क्लिप ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें आपको लगेगा नहीं यार ये वीर रस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने आपने मूवी देखी होगी द लेजेंड भगत सिंह अजय देवगन की, उसमें जब वो फांसी पे चढ़ने जाते हैं तो वो कितने हंसते मुस्कुराते और गाते हुए जाते हैं, वहाँ पे भी वो वीर रस में ही आता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है वीर रस सिर्फ आप किसी पैट्रियोटिक मूवी में दिखाओ या किसी देशभक्ति मूवी में दिखाओ जहाँ पे कोई हिंदुस्तान से किसी और से लड़ रहा हो। आप एक मूवी देख रहे हो अक्षय कुमार की, जिसमें लंदन नमस्ते,
याद करो लंडन नमस्ते में एक सीन था जब अक्षय कुमार अपने इंडिया के बारे में बताते हैं इंग्लैंड को कि हमारे देश में इतनी इतनी उपलब्धियां हैं, ये हैं, तो वो भी वीर रस में ही आता है। जरूरी नहीं है कि वो सीना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, ऐसा नहीं है, बट अगर आप वीर रस आपको एक ताकत देता है किसी चीज को बताने के लिए। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, दो तीन, पहले आप वो भी देख लो तो आप शायद कनेक्ट कर जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। बदले के लिए आपका खून खोल रहा है। यस सर। कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी सर। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। कमांडो, 7 दिन है तुम्हारे पास, 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट डायरेक्ट। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब है आप। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है, और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना। हम आते हैं अपने 6th रस के साइड, जिसका नाम है भयानक रस, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो फियर मोड। इसमें क्या होता है कि आपको डरना है। डरना आप कहाँ पे है, जरूरी नहीं है कि कोई आके आपको मारे तभी आपको डर लग रहा है। आप भूतों से डर सकते हो, आपके पीछे कोई दोस्त आए वो आपको ऐसे करे हो तो भी आप डर सकते हो, वहाँ पे भी आपको वो भयानक रस का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एक दो क्लिप दिखाता हूँ आपको, आपको कनेक्ट करोगे, आप समझोगे कि हाँ कहाँ पे डरना है। मैं आपको सिर्फ भूत वाले ही नहीं, मैं आपको कई क्लिप दिखाऊंगा जैसे आप समझ जाओ कि हाँ भयानक रस कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है। कौन है आप? ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित। तो क्या करूं मैं? और अपना 7वां रस है भयभीत रस, जिसे लोग कहते हैं डिस्कस्टिंग मोड। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कस्टिंग मोड में आपको कोई चीज पसंद नहीं है। पसंद आप खाना खाने की स्मेल है वो भी नहीं पसंद है, कहीं आप जा रहे हो वो भी आप वहां को वो भी नहीं पसंद है, मतलब वो सब डिस्कस्टिंग में ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसा लगे कि सिर्फ मुझे खाने की चीज ही नहीं पसंद है। आपको कोई चीज नहीं पसंद है, कोई घर नहीं पसंद है, वो भी आपको डिस्कस्टिंग मोड में ही आएगा। वो हर चीज जो आपको नहीं पसंद है वो सब डिस्कस्टिंग मोड में आएगा। मैं एक दो क्लिप दिखाऊंगा, ओके देखो पहले आप लोग। सेकेंड लास्ट रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब सरप्राइजिंग मोड, मतलब अरे ये कैसे हो गया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये वाला रस, इसमें आपको जैसे मैं एक मूवी का क्लिप बताता हूँ, आपने गदर मूवी देखो कि मैं कल ही देख रहा था तो मुझे वो याद आ गया। गदर मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जब सनी देओल ने वो हैंडपम्प उखाड़ते हैं ना, तो सब सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, तो वो है अद्भुत रस, समझे। तो और भी बहुत सारी क्लिप हैं, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ, आप लोग देखो तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये अद्भुत में ही आता है, मतलब सरप्राइजिंग में ही आता है। और लास्ट रस है अपना शांत रस। शांत रस मतलब पीस मोड। इसमें मैं यार सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सर्च किया, मुझे कोई तो ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जो शांत हो, तो मुझे 2 कैरेक्टर नज़र में आए। मैं आपको पहला कैरेक्टर बता रहा हूँ, आपने अगर एक वो एपिसोड देखा, एपिसोड क्या वो पूरा सीरियल ही है, आपने अगर रामायण देखा होगा पहला वाला पुराना वाला जो 1988 में आया था, उसमें जो राम का किरदार था वो अगर आप देखोगे तो वो पूरा शांत रस में था एक तरीके से। उनको ना बहुत गुस्सा आता था, कई कई जगह आता था, बट नॉर्मली वो शांत रस में ही पूरा था, खाली हल्का सा स्माइल करते थे। एक मूवी थी पंकज त्रिपाठी साहब की गुड़गांव, अगर आप वो देखो उसमें भी वो बहुत शांत रहते थे। तो इसलिए मुझे ये 2 कैरेक्टर दिखा, बट मैं और भी क्लिप अगर सर्च करूंगा तो अगर वो रहेगी तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कुछ क्लिप, तो आप लोग जरूर देखो ये सारी क्लिप, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। वर्ष बाद आया हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ तो बना कर रखा होगा। माँ सट्टा उल्टा तो नहीं खेला ना, किसी से कर्जा उधारी तो नहीं लिया? आधी रात ने जगा की वही बात पूछनी थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 9 रस
को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको समझना है नौ रस के बारे में। ये तो मैंने सिर्फ क्लिप दिखाई हैं कि अगर इस तरीके के ये मोड होते हैं, ओके। बट मैं आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप वो मूवीज़ देखो, मूवीज़ को देखने का कुछ तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भले 3 घंटे की मूवी आप 5 घंटे 6 घंटे में देखो, बट उस मूवी को देखो कैसे, उस मूवी को देखने का तरीका है कि अगर आप कोई सीन चल रहा है तो आप नोटिस करो कि ये कौन से रस में प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कौन से रस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इस मूवी में, इस सीन में। जैसे कोई सीन, जैसे मैं एक मूवी आपको बताता हूँ, शोले में आपको सिंगार रस भी मिलेगा, आपको रौद्र रस भी मिलेगा, आपको शांत रस भी मिलेगा, और साथ में आपको काफ़ी रस मिलता है उस मूवी में। जैसे जब अमिताभ बच्चन जया भादुरी को पसंद करने लगते हैं, जब वो लालटेन जलाती हैं और ये यहाँ से बजाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सिंगार रस मिलेगा, शांत रस मिलेगा, जब वो कुछ बोलती नहीं है वहाँ पे। और जब एंगर मतलब रौद्र रस आपको वहाँ मिलेगा जब गब्बर ने उनका हाथ काटता है, जब वो पूछता है कि कितने आदमी थे। अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो उस मूवी को इस तरीके से देखो कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीन में कौन कौन से रस इस्तेमाल हो रहे हैं। आई होप समझे होगे आप लोग। मैं कुछ मूवीज़ के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग उन मूवी को ज़रूर देखें। जैसे मुगले आज़म हुई, ज़रूर देखना यार, मतलब बहुत बेहतरीन मूवी है, जिसको 14 साल लग गए थे बनने में एक मूवी को, मुगले आज़म को। तो सोच लो उस मूवी में क्या खास है, ज़रूर देखना मुगले आज़म। शोले हुई, शोले को ज़रूर देखना। 3 इडियट हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1-2 तो ज़रूर ही ज़रूर देखना। अगर आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना गैंग्स ऑफ वासेपुर। और एक मूवी है ऋतिक रोशन की, गुजारिश, मज़ा आ जाती है उस मूवी को देखने के बाद। गुजारिश मूवी देखना यार, और साथ में मदर इंडिया ज़रूर देखना यार। मदर इंडिया हुई, आनंद एक मूवी थी राजेश खन्ना की। आपने अगर सत्या नहीं देखी है मनोज बाजपेयी की तो ज़रूर देखना, सत्या मूवी बहुत अच्छी थी। और साथ में आप दंगल देख लेना, बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी शौर्य, जिसका मैंने अभी आपसे पहले भी बताया था, जिसमें के मैंने बहुत अच्छा एंगर मोड दिखाया था, शौर्य देखना, बहुत ही मतलब बेहतरीन मूवी में से एक है शौर्य। उसमें सिर्फ के मैनन को भी देख सकते हो, बहुत अच्छे उन्होंने अभिनय किया हुआ है। आप लोग ज़रूर देखना शौर्य मूवी। और एक मूवी मैं और बताना चाहता हूँ, जिसमें अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह दोनों थे, अ वेंसडे, ज़रूर देखना यार। इतनी बेहतरीन मूवी है, इतनी प्यारी मूवी है, मतलब सिर्फ दोनों एक्टर बैठे बैठे अभिनय करते हैं और कुछ खास नहीं, और ऐसा लगता है कि रियल हो रहा है। एक मूवी है मकबूल, आप लोग ज़रूर देखना, नसरुद्दीन शाह है, इरफान खान है, बहुत बेहतरीन एक्टिंग है, बहुत बेहतरीन मूवी है मकबूल के साथ। आप लंच बॉक्स देखना, मांझी द माउंटेन मैन देखना, और साथ में मसान मूवी है वो भी ज़रूर देखना, और देवदास है आप शाहरुख खान साहब की देखो, चाहे आप दिलीप कुमार साहब की देखो, ज़रूर देखना, दोनों में से किसी की देख लो, दोनों देख सकते हो तो दोनों देख लो ना यार, बहुत अच्छी मूवी है देवदास। और यार आई थिंक बहुत सारी मूवी होगी, बट मैं आप जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे DDLG देख लो, शूल एक मूवी है मनोज बाजपेयी की, बहुत अच्छी है। अलीगढ़ देख लो यार, बेहतरीन मूवी में से एक है। हैदर देख लो, शाहिद कपूर साहब की, और अकबर देख लेना, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अमेजिंग मूवी में से एक मूवी है। तो आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ के मैंने नाम ले लिया, आप लोग इन मूवीज़ को देखना, और देखने का मैंने तरीका आपको बताया है किस तरह देखना है। ज़रूरी मूवीज़ को ये सोच के, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो ये सोच के देखना, अगर ये सीन ये कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है इस सीन को, तो ये किस तरीके से कर रहा है, किस मोड से कर रहा है, किस रस का इस्तेमाल करके ये इस सीन को कर रहा है, तो इस तरीके से आप लोग देखना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अब मैं आपको शेयर करता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर की मेल आईडीज़, मैं आपको अपने स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर की मेल आईडीज़, आप लोग नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन क्यों करना मैं आपको बताया था, क्योंकि यार अभी आप भेजोगे तो भेजो, अभी आप अगर नोट करके भेज रहे हो तो ज़रूर भेजो, बट नोट डाउन एक जगह करना, क्योंकि हर मंथ आपको इन्हीं मेल आईडीज़ पे रिपीटेड अपनी प्रोफाइल ज़रूर भेजना रहता है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो मैं 10-20 मेल आईडीज़ पे मेल कर दे रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल सेंड कर दे रहा हूँ, तो मुझे मैसेज आ जाएगा, नहीं आएगा। कम से कम 500 मेल आईडीज़ पे आप अपनी प्रोफाइल शेयर करो तो कहीं जाके 5 लोग का रिप्लाई आएगा। ये मैंने तब सीखा था, क्योंकि मैं लॉकडाउन से पहले 6 महीने से मैं यही कर रहा था, मेरे को भी रिप्लाई नहीं आता था। जब मैं सीखा कि अच्छा ऐसा करना है, ये ट्रिक है थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रिक के लिए मैंने एक वीडियो आपको बताई थी कि कास्टिंग डायरेक्टर को मेल कैसे करना है, वो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको जरूर बताया कि कैसे आपको मेल करना है, तो आपका मेल का रिप्लाई आएगा। ओके,
तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आप हमें और हमारी द स्ट्रगल फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए पेटीएम नंबर पर आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, शेयर करना सभी दोस्तों के पास। आई होप आई थिंक कि वीडियो लंबी हो गई होगी, बट अगर यहाँ तक देख लियो तो यार कमेंट करके बताना कैसी लगी। और जाते जाते बस सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।